वेलकम टू पाकिस्तान मेमोरी ब्लॉग। नाज़रीन, जैसे कि आप सबसे पहले गुफ्तगू हुई थी कि हम सुक्कू चक जो है टेंपल विलेज का विज़िट करने वाले हैं, तो हम उसी विलेज में मौजूद हैं। इससे पहले जो हमने आपके साथ एक दो बड़े टेंपल थे जो उनकी वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसके बाद एक और बड़ा टेंपल पीछे आप देख रहे हैं मौजूद है। इसके अंदर आने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है, जो मेन रास्ता है उसे लॉक लगा हुआ है। उसके आगे जो है डिस्पेंसरी बना दी गई है, जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया हुआ है। उनका कहना था कि आगे जो जगह थी वो वीरान हो रही थी, ख़राब हो रही थी, जिस वजह से हुकूमत ने इजाज़त दी थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया जाए, लेकिन हॉस्पिटल बनाकर जो मंदिर के मेन एंट्रेंस है उसे बंद कर दिया गया हुआ है। इसलिए पीछे आप देख रहे हैं इतना सारा गंद है यहाँ पे, कोई यहाँ पे आके सफाई नहीं करता। पाकिस्तान में ये नहीं कि हिंदू मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सुस्त किस्म के, बहुत कह लें कि सुस्ती कह लें इनको, कि इतने सुस्त हैं कि वो अपनी जगहों पे आकर इनकी सफाई नहीं करते, हालांकि कोई इनको मना करने वाला नहीं है। तो इतना बड़ा टेंपल है, अगर वो दोबारा से इसकी तमीर करना चाहें, दोबारा से इसे थोड़ा सा ठीक करना चाहें कि ये गिर ना जाए, कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ पे आके थोड़ा सा खर्च कर लें। गवर्नमेंट इस पे अगर ध्यान नहीं दे रही तो कुछ ऐसे हिंदू भाई जो हैं वो मतलब कोई टीम बनाए, कोई अपना ऐसा, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी है तो उनका हक है अपनी इबादत करना, अपनी इबादत गाहों को महफूज रखना, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी इबादत जो है उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ पर एंटर होते हुए इसकी दीवार जो है वो टूटी हुई थी, उधर से हम फलांग कर अंदर आए हैं, और इतना ज़्यादा गंद है कि अंदर कोई मतलब हमें कोई चीज़ ना लड़ जाए, तो बहुत डर के सहम के यहाँ पे हम अंदर आए हैं। तो ये इसका जो है मंदिर है, सुक्कू चक टेम्पल जो है, ये आप सबको पहले भी बताया गया, जो सुक्कू चक गाँव का नाम है वो एक हिंदू के नाम पे रखा गया, क्योंकि ये हिंदू की बहुत ज़्यादा आबादी वाला एरिया था। यहाँ पे हिंदू का एक बाज़ार भी था, वो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये जो है टेम्पल, वहाँ पे एक टेम्पल जो है वो गिर चुका हुआ है, उसे किसी ने गिराया नहीं। हमारी बात हुई थी पहले, उन्होंने कहा कि खुद ही वो मौसमी हालात की वजह से महफूज नहीं रह सका और नीचे गिर गया था। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर की क्या सूरत हाल है वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो नाज़रीन, ये हनुमान मंदिर है जिसकी सबसे बड़ी निशानी बाहर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी, जो काफ़ी हद तक जो है ख़राब हो चुकी हुई है, लेकिन निशानी ज़रूर है, पता लग सके कि ये हनुमान मंदिर है। तो नाज़रीन, अजानें शुरू हो चुकी हैं, सिर्फ 2 से 4 सेकंड हमें इंतज़ार करना होगा। जी तो नाज़रीन, आप इसके टूटे हुए कमरों से अंदाज़ा कर रहे होंगे कि कितना बड़ा मंदिर बनाया गया था। ये इबादत गाहें थी, छोटे छोटे कमरे थे जहाँ पे लोग बैठ के इबादत कर सकते थे। तो ये इसकी मेन एंट्रेंस वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं इस वक्त जा रहा हूँ। इसका मेन दरवाज़ा भी है जिसे अब लॉक लगा हुआ है, चाबी जो है वो किसी और के पास है, लेकिन उधर से हम एंटर नहीं हो सके क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। इस वजह से हम जो है इसकी दीवार जो है टूटी हुई थी, मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, उधर से हम इसके अंदर आए, लेकिन बड़ी मुश्किल से आए थे अंदर। और मंदिर देखें कि कितना बड़ा मंदिर, कितने लाड प्यार से ये मंदिर तमीर करवाया होगा किसी बंदे ने, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस मुल्क के दो हिस्से हो जाएंगे और ये जो है वीरान हो जाएगा। तो अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाती है, ये देखिए यहाँ पर अगर गुंबद बना हुआ था तो वो टूट चुका है, ये छत थी तो वो ज़मीन बोस हो चुकी है। अंदर जो है बड़े खूबसूरत जो है मीनाकारी की है इस ज़माने की, बड़े अच्छे कलर हैं, लेकिन वक्त और मौसमी हालात की वजह से जो है आस्ता आस्ता जो है ये सारे के सारे जो है ख़राब होते जा रहे हैं। यहाँ पे तख्ती लगी हुई है, वहाँ थोड़ा सा नज़र आ सकता है, हमें कैमरे की आँख में ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हिंदी में ज़रूर कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे चारों तरफ जो है मंदिर के चारों तरफ जो है इस तरह एक गली सी बनी हुई है, तो बड़े खूबसूरत तरीके से जो है डिज़ाइन किए हुए थे, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से वो डिज़ाइन जो है वो ख़त्म हो रहा है, दीवारों से जो मटेरियल है वो गिर रहा है, क्योंकि ये बहुत मजबूत मटेरियल नहीं था। और देखा जाए तो ये सदियों पुराना मंदिर है, जिसकी वजह से कब तक अपनी असली हालत में मौजूद रहता।
तो इसकी छत जो है वो भी देख सकते हैं, शायद के बारिश का पानी जो है छतों के ज़रिए टिपकता है, जिसकी वजह से इनका मटेरियल जो है वो आस्ता आस्ता जो है गिरता जा रहा है। मैं आपको चारों तरफ से जो है इसका व्यू दिखाता हूँ। एक साइड पे भगवान की मूर्ति भी बनी है, ये मंदिर के साथ मस्जिद भी मौजूदा, अभी थोड़ी सी डिवेल्प हो चुकी है। मतलब कि इस गांव के अंदर जो है 8 मंदिर थे और 8 मस्जिदें थी, हर मंदिर के साथ एक मस्जिद थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू कितने प्यार से रह रहे थे, अपनी अपनी इबादत भी करते थे और एक दूसरे के साथ रहते थे, तो बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन किसी की नज़र लग गई तो जो है इस मुल्क के दो हिस्से हुए, तो ये मोहब्बत जो है हमेशा के लिए बिछड़ गई। यहाँ से हिंदू जो है, बल्कि ये आप सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो आप नक्शा देख रहे थे, इस मंदिर का नक्शा बना हुआ उस दौर में, कैसे इंजीनियर हो गए, उस दौर में इतनी तलीम नहीं थी, इतना कोई स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी नक्शे बनाए गए हैं, मंदिर का मुकम्मल नक्शा बना हुआ है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये असल नक्शा, असल मंदिर ये था, लेकिन अब इसकी असली हालत कुछ और है। तो नक्शा जो है देख के फिर अंदाज़ा होता है कि मंदिर कितना खूबसूरत बना हुआ था उस दौर में। तो यहाँ पे एक मूर्ति भी बनी हुई है, भगवान बना हुआ है, जिसके ये उस तरह का भगवान है जिसके काफ़ी सारे बाजू थे। अब आइडिया नहीं है उस भगवान का नाम क्या है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसका स्केच जो है ये मौजूद है यहाँ पे। ये देखिए इसके बाजू से अंदाज़ा हो रहा है कि क्योंकि अक्सर टीवी ड्रामों में हमने देखा है कुछ भगवान की काफ़ी सारी जो है ना वो बाजू हुआ करती थी, तो ये वही भगवान बना हुआ है यहाँ पे। हम आपको मंदिर के अंदर भी लेके चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं जहाँ पे मूर्ति रखी होती थी। तो मूर्ति जो है वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन अंदर से जो है काफ़ी अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ था। आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और अंदर के मनाज़र भी आपके साथ दिखाते हैं, शो करते हैं। खूबसूरत डिज़ाइन और जो मूर्तियाँ बनी हुई थी ईंटों की चनाई और ब्रिक ईंटों की चनाई, इसमें साथ में मट्टी लगा के इतने इतने बड़े मंदिर खड़े किए हुए हैं, कोई काफ़ी जहानत के मालिक थे उस दौर के ज़माने के लोग। अब तो 100 तरीक़ों से मटेरियल मंगवाते हैं, ये भी ले आओ वो भी ले आओ, एक गरीब बंदा घर नहीं बना सकता। तो ये देखिए मट्टी के साथ इतनी देर के, ये भी तो इतने तूफान आते हैं बारिश आते हैं तो मजबूत हैं, अगर साथ साथ कोई बंदा इनको रिपेयर करता रहे तो ये कभी भी ना गिरे। ये अंदर की हालत है, अंदर ये छत का डिज़ाइन है, वो आपको एक थोड़ा सा सुराख नज़र आ रहा था, जिस तरफ सूरज जाए उस तरफ से रोशनी जो है इस मंदिर के अंदर आती थी और मंदिर जो है वो रोशन रहता था। काफ़ी खूबसूरत तरीका और काफ़ी महारत के साथ जो है इस मंदिर को तमीर किया गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को जो है मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेहरबानी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, हम उसको सपोर्ट करें। चैनल अभी नया है, आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो एक नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।